How to fix Samsung J2 सेलुलर नेटवर्क नॉट अवेलेबल प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकिराज YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है सेलुलर नेटवर्क नॉट अवेलेबल प्रॉब्लम कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, सेलुलर नेटवर्क यानी आपका मोबाइल नेटवर्क, ठीक है, अगर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, आपको नेटवर्क नहीं मिल पा रहा है, तो कैसे आपको फिक्स करना होगा, आज के इस वीडियो पर मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, जिसके थ्रू आप अपने सेलुलर नेटवर्क नॉट अवेलेबल प्रॉब्लम को डेफिनेटली फिक्स कर पाओगे, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको यहाँ पे करना क्या है, अगर आपका सेलुलर नेटवर्क अवेलेबल नहीं है तो आप दोस्तों अपने सिम कार्ड को इजेक्ट कर दीजिए, यानी कि सिम कार्ड को मोबाइल से बाहर पर निकालना है, मोबाइल को रिस्टार्ट करना है, उसके बाद सिम कार्ड को अंदर पर भर देना है, इंसर्ट करना है, ठीक है, और चेक करके देखिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। अगर सॉल्व हो जाता है ठीक है, अगर नहीं हो रहा है, एक बार फ्लाइट मोड को ऑन करके देखिए, ठीक है। फ्लाइट मोड ऑन करके 30 सेकेंड वेट करें, 30 सेकेंड के बाद फ्लाइट मोड को ऑफ़ कर दीजिए। ऑफ़ करने के बाद दोस्तों, आपका नेटवर्क आ चुका होगा, चेक कर ले, ठीक है। अगर सॉल्व हो जाता है प्रॉब्लम, ठीक है, अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है तो कनेक्शंस पे जाए, मोबाइल नेटवर्क्स को ओपन करें और दोस्तों नेटवर्क मोड को स्विच करके देखें, ठीक है, 4G 3G 2G के बीच में, या फिर आप नेटवर्क ऑपरेटर में जाके नेटवर्क को मैन्युअली या तो फिर ऑटोमेटिकली इस बटन को ऑन ऑफ़ करके यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको ऑफ़ करते हैं तो मैनुअल नेटवर्क आपको दिख जाएगा, आपके एरिया में कौन सा नेटवर्क अवेलेबल है, जियो का या फिर एयरटेल का, वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका एयरटेल सिम है तो एयरटेल नेटवर्क ही यूज़ करें, उसमें रजिस्टर कीजिए, अगर जियो है तो जियो में रजिस्टर कीजिए। जियो सिम ही एयरटेल पर रजिस्टर नहीं हो सकते, एयरटेल सिम जियो पर रजिस्टर नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान पे रखना है, और यहाँ पे आपका नेटवर्क सेटिंग एक बार रीसेट जरूर करना, उसके लिए जनरल मैनेजमेंट पे जाइए, रीसेट पर क्लिक कीजिए और रीसेट नेटवर्क सेटिंग पर जाके रीसेट सेटिंग पर दबा के मोबाइल पासवर्ड भर देना है और नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों, आपका सेलुलर नेटवर्क नॉट अवेलेबल प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फिक्स करना है। बाय एनी चांस अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम आते हैं तो वाईफाई की मदद से सॉफ्टवेयर को अपडेट करके देखिए, अगर मोबाइल के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद फिक्स हो जाएगा। अगर आपके सिम पे ही प्रॉब्लम है तो आप कस्टमर केयर को कॉन्टेक्ट करके बात कर सकते हैं, आपके सिम से नहीं कर पा रहे दूसरे सिम से कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है, सिम डीएक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है, कई बार सिम डीएक्टिवेट हो जाती है, उसके वजह से सेलुलर नेटवर्क नहीं आ पाते। तो आप अगर एयरटेल सिम यूज़ कर रहे हैं 198.1.2.1 कॉल कर सकते हैं, अगर जियो है 1977, अगर दूसरा कोई है तो आप 198 पे कर सकते हैं, या फिर आप गूगल पे जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। और ये दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखें, आपके एयरटेल सिम पे प्रॉब्लम आ रहा है तो एयरटेल सिम दूसरे वाले लेके ही आपको कॉल करना है, जियो सिम पे प्रॉब्लम आ रहा है तो दूसरों का जियो सिम, ठीक है, घर वाले का, फ्रेंड्स का जियो सिम से आप कॉल करके पूछिए, मेरे इस नंबर पे इस तरीके का प्रॉब्लम है, क्या हुआ है, वो आपको कंप्लीट डिटेल्स बता देगा, ठीक है, लेकिन आपसे वो कुछ जानकारी पूछेगा कॉन्फर्मेशन के लिए, तो उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या हुआ है, ठीक है। जितने भी सॉल्यूशन था यहाँ पे, ठीक है, जितने भी सॉल्यूशन था मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है, सिंपली आप उसको फॉलो कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं अपना प्रॉब्लम। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको ये पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।